हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। दिस इज कंप्यूटर कॉन्सेप्ट से के पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो के साथ आया हूँ, वाइवा वॉइस एसक्यूएल पार्ट नंबर 4। एक दिन आपकी ये वीडियो डिले हो गई है, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आपको। आई एम वेरी सॉरी बिकॉज द रूटीन वॉज क्वाइट हैक्टिक ड्यू टू बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम्स, इसलिए इस वीडियो को देने में थोड़ा डिले हुआ। तो फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं एसक्यूएल क्वेरीज, ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो, इस पर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ। प्लीज़ pay more attention to learn these commands because these are very very important command from theory as well as practical examination point of view. इसमें से question पूछे ही जाएंगे आपसे, कोई doubt नहीं है। So let us begin. जैसा कि पहले भी मैं आपको बताया करता था कि programs using pandas and matplotlib आपकी उसमें जो दिया जाएगा करने के लिए 8 marks, SQL queries जो आपको hand on experience प्रैक्टिकल में करने के लिए दी जाएंगी 7 मार्क्स। प्रैक्टिकल फाइल मस्ट कंटेन 15 प्रोग्राम्स इन पैंडास एंड 4 प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन मैटप्लॉटलिब। 15 एसक्यूएल क्वेरीज मस्ट बी इंक्लूडेड, दैट इज ऑफ 5 मार्क्स। प्रोजेक्ट वर्क आपका 5 मार्क्स का है, वाइवा आपका 5 मार्क्स का है, टोटल 30 मार्क्स का है। फिलहाल इसमें आपको वाइवा अपना बेस्ट लेवल का वाइवा देना है। आइए हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं जो मैंने आपके लिए क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। ये आपकी जो पहले वाली टेबल है, पिछले पार्ट 3 में जो मैंने आपको दिखाया था, द सेम टेबल इज बीइंग यूज्ड हियर। ईएमपी टेबल जिसमें आपके कॉलम्स हैं एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब, डेट ऑफ ज्वाइन, सैलरी, ईमेल, डिपार्टमेंट नंबर। डिपार्टमेंट नंबर का डिटेल इस डिपार्टमेंट टेबल में यहाँ पर आपकी हिंट के लिए दिया हुआ है। डिपार्टमेंट नंबर 10 क्या है, 20 क्या है, 30 क्या है, हालांकि इस टेबल का कोई इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया है, जस्ट आपको बताने के लिए है। और बिकॉज ज्वाइनिंग ऑफ टू टेबल्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस, इसलिए इस टेबल का कोई यहां पर और रिलेशन नहीं है क्वेरीज के साथ, तो ज़्यादा ना घबराएं इसके लिए। केवल ये आपके रेफरेंस के लिए DEPT टेबल दी गई है कि डिपार्टमेंट नंबर्स क्या है। ओके, नाउ लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चंस ऑफ ऑर्डर बाय एंड ग्रुप बाय क्लॉजेस। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि भाई सॉर्टिंग किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया उसने, व्हाट इज सॉर्टिंग इन डेटाबेस। तो आप बता सकते हैं सॉर्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू मीनिंगफुल ऑर्डर सो दैट यू कैन एनालाइज इट मोर इफेक्टिवली। सॉर्ट टेक्स्ट डेटा इनटू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, न्यूमेरिकल ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये सारा आप जो है इसमें बता सकते हैं कि सॉर्टिंग का मतलब होता है डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, चाहे अल्फाबेटिकली चाहे न्यूमेरिकली अरेंज करना बेस्ड ऑन सर्टेन कॉलम ऑफ द टेबल। ओके, तो इसका आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं। नाउ अब आपसे एग्जामिनर पूछता है विच क्लॉज एंड विच कमांड इज रिस्पॉन्सिबल इन एसक्यूएल फॉर सॉर्टिंग। सॉर्टिंग कौन सी कमांड और कौन से क्लॉज से किया जाता है। ऑब्वियसली सेलेक्ट कमांड से ही हम लोगों को सॉर्टिंग का डाटा विजिबल होगा स्क्रीन पर, क्वेरी हो पाएगी, और ऑर्डर बाय क्लॉज का इस्तेमाल किया जाता है। तो सेलेक्ट कमांड है और ऑर्डर बाय क्लॉज है। इसके बाद आपसे पूछा गया कि व्हाट इज मेंट बाय ऑर्डर बाय क्लॉज, ऑर्डर बाय क्लॉज क्या होता है। तो आप बता सकते हैं कि द एसक्यूएल ऑर्डर बाय क्लॉज इज यूज्ड टू सॉर्ट डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन वन और मोर कॉलम्स, एक या एक से ज्यादा कॉलम पर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने डेटा को अरेंज करने के लिए हम ऑर्डर बाय क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। और एसक्यूएल डेटाबेसेस सॉर्ट द क्वेरी रिजल्ट इन असेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट। जो मोस्ट ऑफ द डेटाबेसेस, नॉट ओनली सम, मोस्ट ऑफ द डेटाबेसेस, वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट करते हैं अपने किसी कॉलम पर सॉर्टिंग। अगर आपको डिसेंडिंग में करना है तो उसे DESC लिखना होता है, और ASC भी आप लिख सकते हैं, बट कोई ज़रूरी नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में करता है सॉर्टिंग। आ जाते हैं अब आपसे कुछ कमांड्स एग्जामिनर पूछता है। नाउ आप कुछ कमांड्स का जवाब दीजिए। तो नाउ डिस्प्ले डिटेल ऑफ एम्प्लॉयज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर नेम्स, कहते हैं कि नेम के असेंडिंग ऑर्डर में
इम्प्लॉयज का डिटेल डिस्प्ले कीजिए। तो डिटेल कह रहा है इसलिए सेलेक्ट स्टार लगाइए ऑल कॉलम्स, स्टार का मतलब फ्रॉम ईएमपी। तो ऑल कॉलम्स आपने डिस्प्ले करा लिया, नॉर्मल है। लास्ट में आपने लगा दिया ऑर्डर बाय ई नेम, किस कॉलम पर सॉर्टिंग करनी है। ई नेम के बाद स्पेस दे करके एएससी भी लिखा जा सकता है असेंडिंग के लिए, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो एएससी यहां पर होता है, इसलिए हमें उसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि ये क्वेरी जब टेस्ट किया मैंने एसक्यूएल में, तो एम्प्लॉई नेम के असेंडिंग ऑर्डर में आपका डाटा अरेंज हो चुका है। ये देखिए क्लार्क सी एफ जे के एल एम एस एस। अब सैम और स्कॉट में क्या क्या आया है, एस ए आया फिर एस सी आया, टॉम यासिर। सो दिस इज इन अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नेम के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारा अरेंज हो गया है डाटा आपका, और उसी के अकॉर्डिंग पूरी रो ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाती है, कंप्लीट रो ऊपर नीचे शिफ्ट होती है, अरेंज होती है। ओके, क्योंकि कंप्लीट रो करेस्पॉन्डिंग एम्प्लॉई का डिटेल है। ठीक है, नाउ अगली कमांड आपसे एग्जामिनर पूछता है अगर कि डिस्प्ले द डिटेल ऑफ दोज एम्प्लॉयज ऑफ एम्प्लॉयज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर सैलरी। लीजिए यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी पूछ दिया है मैंने, जिससे आपको दोनों क्लियर रहे कमांड। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी ऑर्डर बाई सेल डी ई एस सी। ठीक है, ऑर्डर बाई के बाद आप कॉलम नेम लिखना भूल जाते हैं कई बच्चे, बोर्ड पेपर जब मैं चेक करता हूँ लास्ट 20-25 ईयर्स से बोर्ड पेपर चेक कर रहा हूँ, तो उसमें बच्चे ऑर्डर बाई के बाद कॉलम का नाम लिखना भूल जाते हैं। ओके, उसके बाद स्पेस दे करके डी ई एस सी लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ए एस सी भी लिख सकते हैं असेंडिंग के लिए, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन डी एस सी लिखना ज़रूरी है अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सैलरी के करना है तो। अब आप इसमें देखिए सैलरी के डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका डाटा अरेंज हो गया कि नहीं। यस, 95, 90, 78, 70, 46, 44, 43 एंड सो ऑन, 33, 540। ये सैलरी के डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका डाटा अरेंज हो गया। ये आपको इसीलिए मैंने आउटपुट सामने दिखाया है, जिससे आप वेरीफाई कर सकें वेदर द कमांड इज करेक्ट और नॉट। और यही जो कमांड मैंने यहाँ लिखी, ये क्रॉप करके आपका वहां पर मैंने एसक्यूएल में लिखा, द सेम रिजल्ट यू कैन सी हियर। इसके बाद अगली कमांड अगर आपसे पूछी जाती है, ये जरूरी नहीं इसी सीक्वेंस में पूछी जाए, ये कमांड पूछी भी जा सकती है, नहीं भी पूछी जा सकती है, इट विल डिपेंड अपॉन एग्जामिनर, बट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज आई मीन थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। तो आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं, डिस्प्ले एम्प्लॉई नेम जॉब सैलरी। ध्यान से देखिए, तो ये तीन चीजें डिस्प्ले कर लो, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर। अच्छा, इसमें डिपार्टमेंट नंबर को क्यों सेलेक्ट किया गया, क्योंकि आगे देखिए क्वेश्चन में डिस्प्ले एम्प्लॉई नेम जॉब दियर सैलरी एंड डिपार्टमेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर डिपार्टमेंट नंबर। डिपार्टमेंट नंबर के असेंडिंग ऑर्डर में आपको ये डिस्प्ले करना है, एंड विद इन इट और इस डिपार्टमेंट के अंदर इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर नेम्स, उनके नाम डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। तो देखते हैं हम लोग कि ये कैसे अरेंज हो रहा है। सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर इसलिए किया गया कि इस पर सॉर्टिंग की गई है, तो ये भी होना जरूरी है, नहीं तो रिजल्ट में कैसे हमें दिखेगा। कॉमा एम्प्लॉय नेम कॉमा जॉब कॉमा सेल्फ फ्रॉम ईएमपी ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नंबर। डिपार्टमेंट नंबर की ऑर्डरिंग की गई किसमें, असेंडिंग में, एएससी ना भी लिखते तब भी चलता। ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नंबर कॉमा, अब डिपार्टमेंट नंबर के अंदर ई नेम डीईएससी, एम्प्लॉय नेम डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो लेट अस सी हाउ इट इज बीइंग डिस्प्लेड। सबसे पहले वो डिपार्टमेंट नंबर को फर्स्ट प्रायोरिटी देगा सॉर्टिंग करने में, उसे असेंडिंग में अरेंज करेगा, और हर डिपार्टमेंट अगर कोई भी रिपीटेड है तो उसके अंदर नेम को भी अरेंज करेगा डिसेंडिंग में। ध्यान से देखिए, 10-10 दो डिपार्टमेंट नंबर आ रहे हैं सामने, आप देखिए ये अरेंज हो गए, 20-20-20 अरेंज हो गया, 30-30-30, चलो ये डिपार्टमेंट नंबर असेंडिंग में अरेंज हो गया। इसके बाद आप देखिए विद इन डिपार्टमेंट एम्प्लॉय नेम भी अरेंज हो रहा है डिसेंडिंग, तो 10-10 का डिपार्टमेंट एम्प्लॉय नेम देखिए, टॉम फ्रांसिस, टॉम हाईएस्ट है और फ्रांसिस लोएस्ट है, यानी ये डिसेंडिंग में है, टॉम और फ्रांसिस डिसेंडिंग में है फॉर 10। 20 का देखिए, 20 का अलग से सॉर्टिंग होगी, स्कॉट सैम माइकल लकी और कैटरीना। आप देखिए यहाँ से ये Z2A ऑर्डर में है 20 का,
20 का डाटा स्कॉट से लेकर के कटरीना तक ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको दिख रहा होगा। 30 का डाटा देखिए यासिर जॉन क्लार्क, ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में 30 का डाटा जो है जेड टू ए अरेंज होता है। फाइन, तो इस तरह से आपने देखा कि एक कॉलम पर आपने सॉर्टिंग की थी, विद इन दैट कॉलम आप दूसरे पर भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। अगर आपको इसे प्रैक्टिकली देखना है तो मैं आपको एसक्यूएल में दिखा देता हूं और किसी कॉलम पर सॉर्टिंग करके। यू कैन सी हियर, इसका स्क्रीन थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूं, प्रॉपर्टीज सो दैट यू कैन सी इट प्रॉपरली। ओके, सपोज दिस इज योर आई मीन डेटाबेस, DB1 में मैंने ईएमपी टेबल बनाई हुई है, ये आपकी ईएमपी टेबल है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, चलिए मैं फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ जॉब को। जॉब में कुछ रिपीटेड वैल्यू हैं, जिसमें रिपीटेड वैल्यू उसे पहला कॉलम का सॉर्टिंग, उसके अंदर दूसरे कॉलम में मैं सैलरी को सॉर्ट करूँगा। सेकेंड प्रायोरिटी टू द सैलरी कॉलम, देखिए आप क्या लिख रहा हूँ मैं, सेलेक्ट एंड व्हाट डू यू वांट टू डिस्प्ले, आई वांट टू डिस्प्ले ई नेम कॉमा जॉब। जॉब को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख रहे हैं, सबसे सामने जॉब को रख, जॉब कॉमा सेकेंड प्रायोरिटी सैलरी, इसलिए सैलरी को यहाँ रख देता हूँ। बाकी जो कॉलम आप डिस्प्ले करना चाहें आपकी चॉइस है, ठीक है। फ्रॉम ईएमपी ऑर्डर बाय, इसको थोड़ा ऊपर कर लीजिए, दिखाई पड़े आपको, दिख रही है आपको कमेंट। जॉब पहले, फर्स्ट प्रायोरिटी जॉब को दे दूंगा सॉर्टिंग के लिए, सेकेंड प्रायोरिटी सैलरी को, और उसके बाद और भी कॉलम आप सेलेक्ट कर सकते हैं डिस्प्ले करने के लिए। फ्रॉम ईएमपी ऑर्डर बाई, सबसे पहले मैं ऑर्डरिंग करूंगा जॉब पर, जॉब पर असेंडिंग में कर रहा हूं, और उसमें आई हैव नॉट रिटन असेंडिंग, ASC मैंने नहीं लिखा, और सैलरी भी असेंडिंग में रखता हूं। देखिए क्या होता है, एनालिस्ट ये एक साथ हो गए ऑर्डरिंग हुई तो, और यहाँ 70 78 ऑटोमेटिक आ रहा बेटा। क्लर्क 33 34 34 450, देख रहे हैं कि दोनों असेंडिंग में जा रहे हैं। मैनेजर दो हैं तो 90 95, ऐसा नहीं है कि 95 90 आया। सेल्समैन का देखिए 43 44 46, तो दिस इज हाउ मल्टी कॉलम शॉर्टिंग इज डन। अगर इसी को मैं कोई असेंडिंग में कर देता हूं, इसे मैं जॉब को डिसेंडिंग में कर देता हूं, डिसेंडिंग और सैलरी असेंडिंग में, तो पहले देखिए यहाँ सेल्समैन बॉटम में था, अब सेल्समैन टॉप में आ गया। सेल्समैन का डाटा जो सैलरी है वो असेंडिंग में ही है, 43 44 44 46। मैनेजर का असेंडिंग में ही है, क्लर्क का सारे जो है असेंडिंग में है ये सैलरी, और एनालिस्ट की असेंडिंग में है। अगर दोनों डिसेंडिंग में करना है तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा DESC। अब आप देख सकते हैं सेल्समैन का डाटा देखिए 46 44 43 डिसेंडिंग में हो गया, मैनेजर का 95 90 डिसेंडिंग में हो गया, क्लर्क्स का 34 450 34 33 540 डिसेंडिंग, एनालिस्ट 78 500 70 500। आई थिंक इट हैज बिकम क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हम मल्टी कॉलम सॉर्टिंग कैसे करते हैं। यहाँ पर हम दो कॉलम पे सॉर्टिंग कर रहे हैं, तो पहले वो फर्स्ट कॉलम को प्रायोरिटी देता है, उसे अरेंज करता है किस ऑर्डर में, जो भी ऑर्डर आपने यहाँ स्पेसिफाई किया है, एंड विद इन दैट उसके अंदर जो रिपीटेड वैल्यूज हैं उनका उन पर सेकेंड कॉलम में शॉर्टिंग करता है। तो ये आपको इस तरह से समझना है, मल्टी कॉलम शॉर्टिंग से कहते हैं। नॉर्मल शॉर्टिंग ही जनरली आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाने की उम्मीद है, अगर ये मल्टी कॉलम शॉर्टिंग पूछता है तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। नाउ अब एग्जामिनर कुछ एग्रीगेट फंक्शंस पर आपसे क्वेश्चन करने वाला है, क्या करेगा, What is meant by multi-row functions or group or aggregate function? ये तीनों जो words लिखे गए multi-row, group और aggregate functions, ये एक ही चीज है, ठीक है, don't get confused. तो आप definition बता दीजिए, the function which requires multiple values from multiple rows to calculate its single aggregate value. Function आप जानते हैं हमेशा एक value ही देता है, तो यहाँ पर लेकिन aggregate करके देता है, multiple values उसे चाहिए होती है और उनका एग्रीगेशन कैलकुलेट करता है और उसके बाद एक वैल्यू आपको रिटर्न करता है, तो उसे हम मल्टी रो फंक्शन इसीलिए कहते हैं। क्योंकि ये ग्रुप ऑफ रोज से वैल्यू उठाता है और इसलिए उसे ग्रुप फंक्शन भी कहते हैं, एग्रीगेटेड वैल्यू रिटर्न करता है इसलिए एग्रीगेट फंक्शन भी कहते हैं,
ठीक है। सम सम भाई, एक वैल्यू का सम निकाल के क्या फायदा, मल्टीपल वैल्यूज चाहिए, मैक्सिमम आउट ऑफ मल्टीपल वैल्यूज चाहिए। मल्टीपल वैल्यूज कहाँ से आएंगी, मल्टीपल रोज ऑफ द टेबल से आएंगी। एवरेज निकालना है तो एवरेज, एक वैल्यू का एवरेज तो एक ही होगा। अगर आपको 10 वैल्यू का एवरेज, 4 वैल्यू का, 5 वैल्यू का एवरेज निकालना है तो 5 वैल्यू कहाँ से मिलेंगी, मल्टीपल रोज से मिलेंगी। तो इसीलिए ये सभी जो है एग्रीगेट फंक्शंस हैं। आपसे पूछा गया कुछ एग्रीगेट फंक्शंस के नाम बताइए, सम, मैक्स, मिन, एवीजी, काउंट, ये 5 फंक्शन आपके सिलेबस में हैं जो एग्रीगेट फंक्शंस की कैटेगरी में रखे गए हैं। अब सवाल आता है कि इनके यूसेस क्या हैं, तो जैसा नाम है वही यूज है, आपको साफ साफ पता चल रहा होगा। इट इज वेरी मच क्लियर हाउ इज द नेम ऑफ दिस फंक्शन द सेम फंक्शनैलिटी दे हैव। सम फंक्शन क्या है, इट रिटर्न्स द टोटल सम ऑफ नॉन नल वैल्यूज ऑफ न्यूमेरिक कॉलम। किसी भी न्यूमेरिक कॉलम की जो नल वैल्यूज हैं उसको छोड़ करके बाकी जो नॉन नल वैल्यूज हैं, यानी कि जिसमें कुछ फीड किया गया है न्यूमेरिक वैल्यूज, उसका सम निकाल के आपको रिटर्न करेगा। एवरेज फंक्शन नॉन नल वैल्यूज ऑफ न्यूमेरिक कॉलम का एवरेज कैलकुलेट करके आपको रिटर्न करेगा। मैक्सिमम विल कैलकुलेट द नॉन नल वैल्यूज ऑफ एनी कॉलम, किसी भी कॉलम का ये नॉन नल वैल्यूज में मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू दे सकता है। हाईएस्ट डेट भी देता है, हाईएस्ट न्यूमेरिक वैल्यू भी देता है, हाईएस्ट नेम भी रिटर्न कर सकता है। हाईएस्ट नेम के बारे में मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ, सेलेक्ट मैक्स ऑफ ई नेम करके, तो लेट अस सी वेदर इट इज ओके और नॉट। यस, यासिर इज द हाईएस्ट नेम, यस वाई से इसका स्टार्टिंग है। सो हाईएस्ट नेम भी रिटर्न करेगा। इसी तरह से मिनिमम है, मैक्स की ही तरह है ये, मिनिमम मतलब लोवेस्ट वैल्यू रिटर्न करता है नॉन नल वैल्यूज का। काउंट स्टार और काउंट कॉलम नेम, ये दो तरह से फंक्शन यूज किया जाता है। काउंट स्टार जो है वो सभी कॉलम्स, आई मीन कितनी रो है टोटल आपके टेबल में, उनको काउंट कर लेता है, नंबर ऑफ रोज, बशर्ते कोई रो ऐसी ना हो जिसमें सारी वैल्यू नल फीड की गई हो। ऐसी रो अगर कोई भी टेबल में हुई कि ये 10 की जगह नल, इसकी जगह भी नल, इसकी जगह भी नल, इसकी जगह भी नल, तब काउंट स्टार उसे काउंट नहीं करेगा, और ऐसी सिचुएशन हार्डली अराइज हो सकती है। ओके, कोई ऐसी रो होती ही नहीं जिसमें सारी वैल्यूज नल, फाइन, उसी को काउंट स्टार नहीं गिनेगा। बाकी काउंट स्टार नंबर ऑफ रोज को काउंट करने के लिए ही होता है। काउंट कॉलम नेम, किसी भी कॉलम नेम का नाम आपने काउंट सेल लिख दिया, तो सेल में जो नॉन नल वैल्यूज हैं, यानी कि जिसमें नल नहीं फीड किया गया है, वो सारी वैल्यूज काउंट कर लेगा और एक वैल्यू रिटर्न करेगा काउंटिंग करके। तो इस तरह से ये सभी फंक्शंस, 5 फंक्शंस हैं आपके एग्रीगेट फंक्शंस या मल्टी रो फंक्शन या ग्रुप फंक्शन कहलाते हैं। इन पर आपके बोर्ड के थ्योरी पेपर में क्वेश्चन 101% रहेगा ही रहेगा, इसलिए इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। इस पर हमारी वीडियोस भी अवेलेबल हैं, सिंगल रो फंक्शन और मल्टी रो फंक्शंस में जा करके आप वहाँ से देख लें और देख करके कॉन्सेप्ट अपना ट्रांसपेरेंट क्लियर कर लें। और ऑल दो दीज क्वेश्चंस आर मोर देन सफिशियंट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा आपको एक्सप्लेन करूँ। यहाँ पर मैं क्वेश्चन पर फोकस कर रहा हूँ वाइवा की, इसलिए हो सकता है कि कई चीज़ें छूट सकती हैं। 9th क्वेश्चन देखें, राइट ए कमांड टू डिस्प्ले सम ऑफ सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। ठीक है, सभी एम्प्लॉयज की सम ऑफ टोटल सैलरी निकालनी है, तो सेलेक्ट सम ब्रैकेट में सेल फ्रॉम ईएमपी। ये ऑल एम्प्लॉयज, पूरी टेबल में 10 एम्प्लॉयज है, 10 की 10ों की टोटल सैलरी 5,70,190 है। ओके, नाउ सिमिलरली राइट ए कमांड टू डिस्प्ले एवरेज ऑफ सैलरी ऑफ, एवरेज ऑफ द सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 10 ओनली। डिपार्टमेंट नंबर 10 का इस बेस पे हुए कंडीशन लगा दीजिए, सेलेक्ट एवीजी ऑफ सेल फ्रॉम ईएमपी हुए डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10, सॉरी। तो इस तरह से आपकी एवरेज सैलरी डिपार्टमेंट नंबर 10 की आ गई। 10 में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी टोटल की है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, और वो नॉन नल वैल्यूज, यानी कि जिसमें फीड की गई है वैल्यूज, नल नहीं है जिसमें, उसे छोड़ देगा वो। ठीक है, देन राइट कमांड टू डिस्प्ले सम एवरेज हाईएस्ट सैलरी ऑफ नंबर ऑफ एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम द ईएमपी टेबल। ठीक है, सारे फंक्शन ये काफी यूज करा रहा है, तो मैंने लिखा सेलेक्ट सम सेल कॉमा एवीजी सेल कॉमा मैक्स सेल कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम ईएमपी।
तो आप देखें ये टोटल सैलरी सभी इंप्लॉयज की, एवरेज सैलरी सभी इंप्लॉयज की, मैक्सिमम हाईएस्ट सैलरी है ये, टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मीन्स टोटल नंबर ऑफ रोज 10 है। सो दिस इज अबाउट एग्रीगेट फंक्शंस बीइंग इंप्लीमेंटेड ऑन द कंप्लीट टेबल, पूरी टेबल पर, या आपको मैंने एक जगह यहाँ कंडीशनल भी किया था वेयर लगा करके, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। नाउ ग्रुप बाई पर कुछ बातें कर लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड थ्योरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल बोर्ड। 12वां क्वेश्चन मैंने दिया कि राइट ए कमेंट टू डिस्प्ले सम एवरेज हाईएस्ट सैलरी एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। फंक्शंस तो वही हैं, लेकिन यहाँ पर लिख दिया ऑफ ईच डिपार्टमेंट, जहां भी ईच डिपार्टमेंट आए, एवरी डिपार्टमेंट आए, एवरी इंडिविजुअल किसी कॉलम का नाम आए, तो आपको सोच लेना है कि इसमें मुझे ग्रुप बाई का यूज करना पड़ेगा। और ग्रुप बाई बेटा हमेशा एग्रीगेट फंक्शंस सम मैक्स मिन ये कोई ना कोई फंक्शन यूज किए गए होंगे, उसी के साथ आपका ग्रुप बाई लगेगा, वरना ग्रुप बाई लगेगा ही नहीं, ठीक है, रिमेंबर इट। तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, अच्छा जिस पर ग्रुपिंग करनी है, ईच डिपार्टमेंट कह रहा है तो मुझे डिपार्टमेंट नंबर पर ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, इसलिए मैं उसे सेलेक्ट में पहला कॉलम सेलेक्ट करूंगा, सो दैट ये अगर 10 नहीं डिस्प्ले होगा तो ये किसका सम है, किसका एवरेज है, किसका मैक्सिमम है, ये मुझे पता नहीं चलेगा, 20 नहीं डिस्प्ले होगा, 30 नहीं डिस्प्ले होगा। इसलिए जिस कॉलम पर आप ग्रुप बाई लगा रहे हैं उस कॉलम को सेलेक्ट में पहला कॉलम सेलेक्ट कर लें, सो दैट आई कैन आइडेंटिफाई ईच ग्रुप। ओके, नाउ सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर जिस पर ग्रुपिंग होनी है, सम सैलरी, एग्रीगेट फंक्शन, टोटल सैलरी भी हर डिपार्टमेंट नंबर का निकालना है, एवरेज सैलरी, मैक्सिमम सैलरी, काउंट स्टार, हर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं इसलिए काउंट स्टार, फ्रॉम ईएमपी, ग्रुप बाय लास्ट में लगा दीजिए कॉलम का नाम, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। सो यू कैन सी द रिजल्ट आपके सामने है, 10 का डिटेल ये है, 20 का डिपार्टमेंट का ये है, 30 डिपार्टमेंट का डिटेल, यानी टोटल सैलरी, एवरेज सैलरी, मैक्सिमम सैलरी एंड काउंटिंग ऑफ एम्प्लॉयज। टोटल एम्प्लॉय हो गए तो ये 3, 5, 8 to 10। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपसे आपने ये कमांड बताई कि ग्रुप बाई लगा करके, तो आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया व्हाट इज ग्रुप बाई क्लॉज। ये समझ के चलिए कि एग्जामिनर को कुछ नहीं आता, हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा हर चीज। तो द एसक्यूएल ग्रुप बाई क्लॉज इज यूज इन कोलाबोरेशन विद द सेलेक्ट स्टेटमेंट टू अरेंज आइडेंटिकल डेटा इन टू ग्रुप्स। सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को ग्रुप्स में डिवाइड करना जो है वो ग्रुप बाई का काम है। और जब आप ग्रुपिंग करते हैं ग्रुप बाई से, तो वहां पर ज्यादातर एग्रीगेट फंक्शंस का इस्तेमाल करके हम हर डिपार्टमेंट की, हर उस पार्टिकुलर ग्रुप का एग्रीगेशन करना चाहते हैं, दैट इज द पर्पज ऑफ ग्रुप बाई। ग्रुप बाई क्लॉज फॉलोज वेयर। अच्छा यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आप वेयर यूज करना चाहते हैं तो ग्रुप बाई से पहले यूज करो। ओके, सेलेक्ट यूज किया, उसके बाद फ्रॉम क्लॉज यूज किया, वेयर यूज किया, वेयर के बाद ग्रुप बाई आएगा, अगर हैविंग है तो ग्रुप बाई के बाद हैविंग आएगा, हैविंग के बाद अगर ऑर्डर बाई लगाना है तो लास्ट में ऑर्डर बाई आएगा, रिमेंबर। सो इसका सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा, मैंने आगे एक क्वेश्चन पूछा है आपसे इससे, ठीक है। 14th क्वेश्चन देखिए जरा, राइट रिकमेंड टू डिस्प्ले सम एवरेज हाईएस्ट सैलरी एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ ईच डिपार्टमेंट इन ऑर्डर। इसमें ऑर्डर बाई लगा दिया, इन ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिपार्टमेंट नंबर, इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिपार्टमेंट नंबर। ध्यान से देखिए, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, यहाँ तक कमांड वही है, सम सैलरी, एवरेज सैलरी, मैक्सिमम सैलरी, काउंट स्टार, फ्रॉम ईएमपी, ग्रुप बाई लगा दिया, डिपार्टमेंट नंबर, लास्ट में ग्रुप बाई के बाद आखिरी में लगाइए ऑर्डर बाई डिपार्टमेंट नंबर, अगर ऑर्डर बाई भी है तो। तो आपका जो ये डिपार्टमेंट नंबर अगर 20, 30, 10 जो है रैंडम में आ रहा था तो ये अरेंज होके आएगा 10, 20, 30 हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर बाई डिपार्टमेंट नंबर में DESC नहीं लिख रहे हो, DESC लिखते तो 30, 20, 10 आते, सारे ग्रुप्स इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, तो ऑर्डर बाई जब भी लगाना हो आपको तो ग्रुप बाई और हैविंग के बाद लगाना, दैट इज द पर्पस। ओके, नाउ यहां पर एक कमांड और लिखी गई है कि आप क्या ऑर्डरिंग किसी और कॉलम पर कर सकते हैं, अभी डिपार्टमेंट नंबर पर मैंने किया था यहाँ पर ऑर्डरिंग,
क्या मैं एवरेज सेल पर ऑर्डरिंग कर सकता हूँ, इसके ऑर्डर में मेरा डाटा डिस्प्ले हो, या मैक्सिमम सेल पर, या काउंट स्टार पर? यस यू कैन डू। देखिए यहाँ पर सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, सम सेल, एवीजी सेल, मैक्स सेल, काउंट स्टार सारा डिस्प्ले करने के लिए है। फ्रॉम एमपी ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नंबर पर ग्रुपिंग है। लेकिन ऑर्डरिंग किस पर कर रहे हैं? ऑर्डर बाय एवीजी सेल पर आप ऑर्डरिंग कर रहे हैं, एवीजी ऑफ सेल पर ऑर्डरिंग कर रहे हैं असेंडिंग में। तो देखिए एवरेज सैलरी कैसे डिस्प्ले हो रही है, पहले लोवेस्ट, फिर हाईएस्ट, फिर सबसे हाईएस्ट। यहाँ पर एवरेज सैलरी कैसे आ रही थी, 84, 53, 44। यहाँ पर कैसे आ रही है, 44, 53, 84, यानी कि इस पर ऑर्डरिंग हुई है। इसके अकॉर्डिंग ये आपका डिपार्टमेंट नंबर डिस्टर्ब हो गया, 30, 20, 10 हो गया। ओके, तो उसके अब इस पर आपकी ऑर्डरिंग हो रही है। इस पर मैक्स सेल पर भी ऑर्डरिंग कर सकते हैं, ऑर्डर बाई मैक्स ऑफ सेल, ऑर्डर बाई काउंट ऑफ स्टार, ऑर्डर बाय सम ऑफ सेल, ऑर्डर बाय आप किसी पर भी लगा सकते हैं। लेकिन ये याद रखना है कि ऑर्डर बाय क्लॉज हमेशा ग्रुप बाय क्लॉज के बाद ही आएगा, रिमेंबर। नाउ वी कम टू अनदर कमांड 15th, राइट ए कमांड टू डिस्प्ले सम, एवरेज, हाईएस्ट सैलरी एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ ईच डिपार्टमेंट ऑफ 10 एंड 20 ओनली। ध्यान से देखिए, हमारे पास डिपार्टमेंट 10, 20 और 30 थे, अभी तक तीन ग्रुप बन रहे थे, 10 का, 20 का, 30 का। अब ये कहता है केवल 10 और 20 का ही ग्रुप चाहिए, ठीक है। अगर आपको ग्रुप में से भी कुछ कंडीशनली फिल्टर करना है, 30, 20, 10 में से भी कंडीशनली कुछ फिल्टर करना है, तो ग्रुप बाय के साथ हैविंग का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ग्रुप्स में से भी अगर आपको कंडीशनल फिल्टरिंग करनी है तो मैं हैविंग का इस्तेमाल करूंगा। देखिए कैसे करेंगे, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, सम सेल, एवीजी सेल, मैक्स सेल, काउंट स्टार, फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बना लीजिए, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, बन गया ग्रुप। अभी जो यहाँ तक की कमांड ग्रुप जो बना रही है वो 10, 20, 30 के लिए रिजल्ट बना रही है, लेकिन आई वांट ओनली फॉर 10 एंड 20, इसके लिए ग्रुप चाहिए, तो मैं लिखूंगा हैविंग डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10 और डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 20, चाहे ये कंडीशन लिख लीजिए, और चाहे उसकी जगह इन का इस्तेमाल आपको पढ़ाया गया है कि हैविंग डिपार्टमेंट नंबर इन 10, 20। ओके, आप इसी कमांड को और क्या लिख सकते थे, हैविंग, मैं यहां से लिख देता हूं, हैविंग से लिख रहा हूं, डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10 और डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 20। आप जो है ये हैविंग डिपार्टमेंट नंबर इन, यहां तक 10 20 की बजाय आप ये भी लिख सकते थे। ओके, यू कुड राइट दिस ऑल्सो, फाइन। Now, तो आपका 10 और 20 का ही ग्रुप यहां विजिबल होगा, 30 का ग्रुप सप्रेस हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा। Now, 16th question क्या कहता है, राइट ए कमांड टू डिस्प्ले सम, एवरेज, हाईएस्ट सैलरी एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ ईच डिपार्टमेंट ऑफ 10 एंड 20 ओनली इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, इसमें ऑर्डर बाय भी यूज करना है, लास्ट में ऑर्डर बाय लगा देना है, बाकी कमांड सेम है। सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, सम सेल, एवीजी सेल, मैक्स सेल, काउंट स्टार, फ्रॉम ईएमपी, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, हैविंग डिपार्टमेंट नंबर इन 10, 20, लास्ट में ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नंबर डीईएससी इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिपार्टमेंट नंबर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भी ऑर्डर बाय लगाना है तो ग्रुप बाय और हैविंग के बाद लगाइए, एंड में। तो इस तरह से ऑर्डर बाय आप किसी पर भी लगा सकते हैं, किसी भी ग्रुप पर। तो आप देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर के डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका डाटा डिस्प्ले हो रहा है, पहले हाईएस्ट डिपार्टमेंट नंबर 20 है, फिर 10 है, ये अरेंज हो गया, इसके अकॉर्डिंग ये रोज भी अरेंज हो गई, ठीक है। ऑर्डर बाय आप इस पर भी लगा सकते हो, एवरेज सेल पर लगा सकते हो, ऑर्डर बाय मैक्स सेल पर लगा सकते हो, ऑर्डर बाय काउंट स्टार पर लगा सकते हो, किसी पर भी ऑर्डर बाय लास्ट में लगा सकते हो। इसी कमांड को करने के लिए अगर आप हैविंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले 10 और 20 का डाटा फिल्टर कर लो हुयर लगा करके, और उसके बाद ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर लगा दो। जब आप हुयर लगा करके 10 और 20 का डाटा फिल्टर कर लेंगे तो उसमें 30 का है ही नहीं, जैसे आप ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर लगाएंगे, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नंबर डीएससी, आपका डाटा सेम रिजल्ट आ जाएगा। देखिए यही रिजल्ट यहाँ आ रहा है, लिखा क्या गया, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, कॉमा, सम सेल, एवरेज सेल, मैक्स सेल, काउंट स्टार, फ्रॉम ईएमपी, हुयर डिपार्टमेंट नंबर इन 10, 20, पहले ही ये कंडीशन लगा दी गई हुयर में, ग्रुप बनाने से पहले कंडीशन लगा के 10 और 20 डिपार्टमेंट नंबर का ही डाटा फिल्टर किया गया।
और उसी पर ग्रुप बनाया, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। तो हमारे पास दो ही ग्रुप बने 10 और 20 के, और उसी की ऑर्डरिंग कर दी, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नंबर डिसेंडिंग, इसलिए ये सेम रिजल्ट आपका सामने देगा। ठीक है, अब यही ध्यान रखना है कि पहले सेलेक्ट यूज किया, फिर ये एग्रीगेट फंक्शंस की लिस्ट आ गई, फिर फ्रॉम यूज किया, फिर वेयर लगेगा अगर वेयर लगाना है तो, जरूरी नहीं है, फिर ग्रुप बाय लगेगा, फिर हैविंग लगाना तो हैविंग लगा सकते हो, फिर लास्ट में ऑर्डर बाय लगेगा। सीक्वेंस याद रखिए हमेशा। ठीक है, नाउ 17th क्वेश्चन देखें आप। राइट ए कमांड टू डिस्प्ले सम, एवरेज, हाईएस्ट सैलरी एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ ईच डिपार्टमेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, उसे असेंडिंग में था, यहाँ डिसेंडिंग में है, इसमें हैविंग नहीं लगा है क्योंकि कोई कंडीशनल फिल्टरिंग नहीं है। तो आई हैव रिटन सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर कॉमा सम सेल एवरेज सेल मैक्स सेल काउंट स्टार फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। डिपार्टमेंट नंबर पर ग्रुपिंग की है, हैविंग करना नहीं है, सभी डिपार्टमेंट नंबर्स का चाहिए, लास्ट में लगा दीजिए ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर DESC। जब भी ऑर्डर बाय लगाएं कॉलम नेम लिखें, ये ना भूलें, उसके साथ ASC है या DESC है उसे स्पेसिफाई करें। ASC है तो लिख भी देंगे तो कोई गलत नहीं है, ओके, नथिंग इज रॉन्ग इफ यू राइट ASC और DESC आफ्टर द नेम ऑफ द कॉलम आफ्टर ऑर्डर बाय, रिमेंबर। यहाँ पर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ यूजिंग वेयर हैविंग ऑर्डर बाय ग्रुप बाय क्लॉज इन सेलेक्ट क्वेरी, सेलेक्ट क्वेरी में इनका ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले भैया वेयर से आप फिल्टरिंग करो, उसके बाद ग्रुप लगाना है तो ग्रुप बाय लगाओ, उसके बाद ग्रुप में से फिल्टर करना है तो हैविंग लगाओ, और उन ग्रुप्स को ऑर्डरिंग करना है तो ऑर्डर बाय लास्ट में लगाइए। तो दिस इज द ऑर्डर हाउ यू कैन यूज दीज 4 क्लॉजेस इन द सेलेक्ट कमांड। 19th क्वेश्चन क्या है बेटा, राइट कमांड टू डिस्प्ले सम एंड एवरेज ऑफ दोज डिपार्टमेंट्स इन विच नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर मोर देन और इक्वल टू 3। यहाँ पर कंडीशन जो दी गई है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यानी कि काउंट स्टार पर कंडीशन दी गई। ध्यान से सुनिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज तो हमारे टेबल में थे नहीं, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कैलकुलेट करने के लिए काउंट स्टार बताया हूँ आपको, इसका मतलब काउंट स्टार पर कंडीशन लग रही है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, यानी कि वेयर क्लॉज में या हैविंग में आपको ये कंडीशन देनी पड़ेगी। लेट अस सी द कमांड, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर सम सेल एवरेज सेल काउंट स्टार फ्रॉम EMP ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर पर ग्रुपिंग की गई है, हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जिसमें काउंट स्टार जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, यानी जिसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 3 या 3 से ज़्यादा हैं। तो देखिए यहाँ पर काउंट स्टार क्या है, 5 है और 3 है, 3 या 3 से ज़्यादा यही दो हैं, अदरवाइज 10 में जो है देर आर 2 एम्प्लॉयज ओनली, इसलिए ओनली दीज 2 ग्रुप्स आर बींग डिस्प्लेड हेयर। ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर सम सैलरी एवरेज सैलरी और काउंट स्टार, तो ये दो ग्रुप्स डिस्प्ले हो रहे हैं जिसमें काउंट ऑफ स्टार इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ये जो हैविंग है बेटा, हैविंग में आप किसी भी एग्रीगेट फंक्शंस के साथ कंडीशन लगा सकते हो, इवन आप लिखें AVG ऑफ सेल, हैविंग AVG ऑफ सेल ग्रेटर देन 50,000, अभी पीछे मैंने कंडीशन लगाई थी हैविंग के साथ, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी मैं लगा देता हूँ, देखिए ये नेक्स्ट कमांड में हैविंग एवरेज सेल पर लगा दिया गया। राइट ए कमांड टू डिस्प्ले सम एंड एवरेज ऑफ दोज डिपार्टमेंट्स इन विच एवरेज सैलरी इज मोर देन 50,000। ध्यान से देखिए, सेम कमांड है जिसमें कंडीशन हैविंग पर जो लगी एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 50,000। सो सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर सम सेल एवरेज सेल फ्रॉम EMP ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, हैविंग एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 50,000। तो अब वही डाटा आपके सामने आएगा जिसकी सैलरी ग्रेटर देन एवरेज सैलरी जो कैलकुलेट की गई है वो ग्रेटर देन 50,000। देखो ये 53,000 समथिंग है, ये 84,000 समथिंग है। अगर मैं पीछे 10 का डाटा देखता तो 10 का एवरेज सैलरी कितनी है, 84,000 30 यहाँ पर आपका एवरेज सैलरी 44,000 किसका है 30 का, और 20 का कितना है 50,000 समथिंग है, 20 का 53,000 है, और 10 की एवरेज सैलरी जो है ग्रेटर देन 50,000,
हाँ, तो 10 की ग्रेटर देन 50,000 है, 20 की ग्रेटर देन 50,000 है, 30 की 44 है, लेस देन है, इसलिए 30 डिपार्टमेंट यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ओके, सो इस तरह से आपने देखा कि जो हैविंग कंडीशन है जिस कॉलम पर आप ग्रुपिंग कर रहे हैं, और ग्रुपिंग ज़्यादातर ऐसे कॉलम पर किया जाता है जिसमें वैल्यूज रिपीट हो रही हो। तो अगर हम अपनी टेबल को देखें तो इसमें आप है ग्रुपिंग किस पर, जॉब पर भी कर सकते हैं, सेल्समैन सेल्समैन ये सारे ग्रुप बन जाएंगे, मैनेजर मैनेजर, क्लर्क क्लर्क क्लर्क, और सेल्समैन सेल्समैन, सेल्समैन का सबका एक एक ग्रुप बन जाएगा। यहाँ भी तीन ग्रुप आपके पास सामने बन जाएंगे, राइट। और आप कंडीशन किस पर लगा सकते हैं, जिस पर आप ग्रुपिंग कर रहे हैं, ग्रुप बाय लगा रहे हैं, उस पर भी हैविंग करके कंडीशन लगा सकते हैं। बाकी जो एग्रीगेट फंक्शंस जितने भी हैं आपके, सम मैक्स मिन एवीजी, चाहे यहाँ पर आप डिस्प्ले कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, उन सभी पर काउंट पर भी आप कंडीशन हैविंग में लगा सकते हैं। ठीक है, दो चीजें हैं, या तो हैविंग से फिल्टर करो, या तो पहले ग्रुप बनाने से पहले ही फिल्टर करो। ग्रुप बनाने से पहले कुछ फिल्टर करना है तो फिर लगाओगे, और ग्रुप बना करके फिल्टर करना है तो आप हैविंग लगाएंगे। जब तक ग्रुप बाई नहीं है तब तक हैविंग नहीं लगेगा। रिमेम्बर, कुछ बच्चे वेयर की जगह हैविंग का इस्तेमाल कर देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। हैविंग हमेशा ग्रुप बाई क्लॉज के साथ ही यूज किया जाता है, रिमेम्बर। और हैविंग किस पर यूज किया जाएगा, किसी नॉर्मल कॉलम पर नहीं यूज किया जाएगा। हैविंग का यूज जिस पर ग्रुप बना रहे हो डिपार्टमेंट नंबर पर, उस पर लगा सकते हो कंडीशन, या एग्रीगेट फंक्शन सम मैक्स मिन एवीजी काउंट पर लगा सकते हो। और आप लिखें कि हैविंग ई नेम इज इक्वल टू स्कॉट, गलत है, सरासर गलत है। हैविंग सैलरी इज इक्वल टू 50,000, गलत है। हैविंग जॉब इक्वल टू मैनेजर, बिल्कुल गलत है। रिमेम्बर, हैविंग जो है जिस पर ग्रुप बना रहे हैं उस कॉलम पर, या एग्रीगेट फंक्शंस के कॉलम आई मीन कैलकुलेशंस पर ही हैविंग कंडीशन को इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ग्रुप बाई के साथ ही। बिना ग्रुप बाई के तो हैविंग भूल जाइए। ऑर्डर बाई लगाना है सबसे एंड में लगाइए, हैविंग वेविंग के एकदम, हैविंग ग्रुप बाई सबके एंड में, वेयर फ्रॉम सबके एंड में, लास्ट में ऑर्डर बाई, अगर आपको ऑर्डरिंग करनी है तो ग्रुप्स में भी। मेरे ख्याल से मैंने कोशिश की है आपको पूरा ऑर्डर बाई और ग्रुप बाई अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स, और हमारी जो वीडियोस इन टॉपिक्स पर अवेलेबल है MySQL रिवीजन टूर प्लेलिस्ट में जा करके आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये पूरी शीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और कॉन्ग्रेचुलेशन, और साथ साथ मेरी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस फॉर अपियरिंग इन द बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। और आपका वाइवा अच्छा हो, आपका प्रैक्टिकल अच्छा हो, आपको 30 मार्क्स मिले, ये मेरी शुभकामना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।